हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं, और वो आज में हम करने वाले। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्लास 12 के लिए एक सीक्रेट फोल्डर बनाया है जिसमें आपको चैप्टर वाइज फॉर्मुले मिल जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन का मैंने अपलोड कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। और अगर हम बात करें मार्क्स बूस्टर, मतलब एक असाइनमेंट है, जैसे आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको एक असाइनमेंट मिलता है, वो आप समझ लो। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन का डाल दिया, आने वाले चैप्टर्स भी डाल जाएंगे। और यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 7.1 एक्सरसाइज। अब आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, कहीं फंस जाते हो तो आपको इसको फोल्डर को खोलना है। यहाँ पे सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, आप आराम से चीजों को पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये फोल्डर कैसे मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फोल्डर की, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपने अगर इसको देखा है तो आपको कैसा लगा, सब कुछ ठीक है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे फीडबैक मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया जो कि सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है cos2x - cos2α / cos x - cos α। पहले तो आप दिमाग खुद से लगाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। डिफरेंशिएशन नहीं है कि चलो एक स्टेप ले लिया तो हो जाएगा, कुछ तो कर देंगे, कुछ तो नंबर मिलेगा, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। पहला स्टेप नहीं है तो आप एक लाइन नहीं लिख सकते इसमें, क्या लिखोगे? ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है कभी भी, तो वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें करना क्या होता है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अब cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले मेन होते हैं, एक cos में, साइन में होता है, एक पर्टिकुलर cos में, एक पर्टिकुलर साइन में, एक tan में। तो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ इसमें फॉर्मूला 2 cos² θ - 1। ठीक है, अब मैं cos वाला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे cos है, तो चांसेस रहेंगे कुछ ना कुछ सॉल्व होने के। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमने अगर cos 2x में अप्लाई करा तो ये आ जाएगा 2 cos² x - 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, cos 2α में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos² α - 1 अपॉन cos x माइनस का cos α dx, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर वाले पार्ट को, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 cos² x - 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 cos² α + 1 अपॉन cos x - cos α और ये dx। ठीक है, तो माइनस से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका बचेगा 2 cos² x - 2 cos² α अपॉन cos x - cos α dx। ठीक है, ये आपका बचेगा। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में क्या होगा, 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा cos² x - cos² α अपॉन cos x - cos α dx। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, cos² x - cos² α अपॉन cos x - cos α। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा cos² x - cos² α अपॉन cos x - cos α dx। इसके बाद cos² x को क्या cos² x लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, cos x का होल स्क्वायर, और इस cos² α को लिख देंगे cos α² अपॉन cos x - cos α, ये लिख देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, वीडियो को पॉज करके खुद से भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो बेस्ट रहेगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, तो 2 बाहर है। a² - b² क्या होता है, a+b यानी cos x + cos α, a-b यानी कि cos x - cos α, cos x - cos α अपॉन cos x - cos α dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे cos x - cos α कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 बाहर है, अंदर बचेगा cos x + cos α dx, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, 2 बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ पे sin x आ जाएगा,
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉस अल्फा का साइन अल्फा लिख दो, ऐसा नहीं है। कॉस अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है? कांस्टेंट नंबर, उसका कुछ नहीं करना है, बाहर कर देना है आपको। तो कॉस अल्फा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा वन का, ठीक है? और लास्ट में एक सी लगा देते हैं, तो सी लगा दो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा आंसर? टू ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस का कॉस अल्फा और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस का सी। तो आपका इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है? नोट कर लीजिए, ठीक है? और कमेंट सेक्शन बताना कि आपको समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो 13 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, फेवरेट हो गया ये क्वेश्चन सीबीएसई का, तो ठीक है, तो आप इसको जरूर करें, ठीक है? तो सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखो, अगर हम डायरेक्ट कोई बात करें, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करने की बात करें, तो सब्सटीट्यूट तो आप डायरेक्ट कर नहीं सकते हो कि टेन को टी लिया कुछ हट गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ डायरेक्ट हो नहीं रहा। तो साइन कॉस में सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और ये डीएक्स, ये आ जाएगा आपका। अब आप एलसीएम ले लो रूट कॉस एक्स और रूट साइन एक्स, तो रूट कॉस एक्स एलसीएम में आ गया, रूट साइन एक्स एलसीएम में आ गया, तो रूट साइन एक्स और ये रूट साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, प्लस रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और ये dx, ये dx, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर अब रूट के टर्म मल्टीप्लाई में है, तो वो अंदर के टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा sin x plus cos x अपॉन स्क्वायर रूट में sin x into cos x, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब मेन मुद्दा है कि आप क्या करें, इतना कर लिया, तो यार sin x cos x जो है ना, अगर इसमें 2 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई में आ जाए, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो ये फॉर्मूला बन सकता है साइन 2x का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अच्छा मैं अब ऐसा कर रहा क्यों है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, पेपर में चाहे यहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाए, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए, तो नीचे अगर साइन 2x होता है तो उसको सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड होता है, तो उसको हम कर लेते हैं, तो इसीलिए साइन 2x है। कई बार आपको डायरेक्ट साइन 2x दे दिया जाएगा, या कभी कभी ऐसे बनाना पड़ेगा, तो आपको नीचे साइन 2x लाना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका इतना मायने में आपको रखना है कि अच्छा नीचे मेरा साइन 2x आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और एडजस्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और dx। तो ऐसा आप लोग मेरे साथ करते जाइए, फिर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में, देखो 2 sin x cos x, ये रूट sin 2x आ जाएगा, मतलब रूट में sin 2x, और रूट 2 पे भी लगेगा तो नीचे रूट 2 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये रूट 2 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और कांस्टेंट होने की वजह से रूट बाहर भी चला जाएगा इंटीग्रेशन के, यानी फाइनली बचेगा sin x plus cos x upon square root of sin 2x dx, ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से सुनना, क्या सुनना है ध्यान से भाई, कि अगर नीचे तुम्हारा साइन टू एक्स है, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, पेपर में हो सकता है ऐसा भी आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, और नीचे कोई कांस्टेंट नंबर वन माइनस साइन टू एक्स हो, मतलब नीचे साइन टू एक्स हो, चाहे वो वन प्लस साइन टू एक्स हो, चाहे टू माइनस साइन टू, मतलब कुछ भी हो नीचे, आपको लॉजिक सेम लगाना है, वो समझना है कि क्या लगाना है। आपको ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, इस पे चाहे 4-5 क्वेश्चन और बना लो, तुम्हें ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाला जो प्लस है ना, इसके अपोजिट साइन को टी लेना है, क्या लेना है, इसके अपोजिट साइन को तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और टी मानना है। तो अगर मैंने यहां कर देता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया, तो समझना मेरी बात, अब चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जब भी हम टी मानते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो क्या प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे dx लिखते हैं और यहाँ पे इक्वल टू dt, तो देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट रिप्लेस हो गया ना, यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट में आ चुका है रूट टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, dt के बराबर है अपॉन, अब तुम्हें ये साइन टू एक्स हटाना है, तो साइन टू एक्स हटाने का भी एक प्रॉपर मेथड है, वो क्या है मेथड वो भी देख लो, कि जो आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जो टी लिया है,
इसमें स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x इधर लाओ तो क्या 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x आ जाएगा। चेक करो क्या साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगी, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बस इसको पुट कर दोगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो आपका आ जाएगा रूट 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे टी आएगा प्लस का सी, और टी तुमने किसको माना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो आंसर आ जाएगा रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिए, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सीबीएसई 2013 और 15 का क्वेश्चन है। जरा पहले आप खुद सोचो कि इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या होनी चाहिए इसमें। अब यहां पे दे रखा है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, पेपर में घुमा के आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे कॉस हो जाए, यहाँ पे कॉस हो जाए, समझ रहे हो, यहाँ पे नीचे कॉस हो जाए, यानी कि साइन या कॉस के टर्म्स डिवाइड में दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच ये होती है कि जो डिनोमिनेटर में एंगल है यानी कि एक्स प्लस ए, वही एंगल तुम्हें न्यूमिनेटर में बनाना है, और फिर साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी का जो भी बन रहा हो फॉर्मूला लगाना होता है। तो अब तुम्हें टारगेट ये रखना है कि ऊपर एक्स प्लस ए लाना है। तो भैया अगर एक्स प्लस ए लाओगे तो मैंने मान लो एक्स प्लस ए कर दिया, तो भैया क्वेश्चन तुम अपने मन से चेंज थोड़ी कर सकते हो, तो क्या मुझे इसको बैलेंस करने के लिए एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, माइनस ए, भाई मैंने एक्स प्लस ए ला दिया नीचे बनाने के लिए, तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, और एक पहले से माइनस ए है, तो यानी कि माइनस ए और ये माइनस ए, तो ये सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये ओवरऑल बैलेंस है कि एक्स प्लस ए है और माइनस का 2a, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही तो आएगा, लेकिन ये ओवरऑल। अब कुछ लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिख देंगे साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a, माइनस ए लिख देंगे, फिर फायदा क्या हुआ, तुमने इतनी मेहनत करी सोचा कि भाई ऊपर प्लस ए माइनस ए करना है, और तुमने नेक्स्ट स्टेप में फिर से ही कहानी कर दी, फिर से पहुंच गए क्वेश्चन पे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है इसको, अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये आ जाएगा, इसको देख लो। अब ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो यहां पे लगा दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। चलो क्या होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए, ए तुम्हारा क्या है एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस टू ए, माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन बी यानी साइन टू ए, और डिवाइड में क्या है तुम्हारा, डिवाइड में है साइन एक्स प्लस ए, डिवाइड में है साइन एक्स प्लस ए। अब आप साइन एक्स प्लस ए से न्यूमिरेटर में डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड, क्योंकि यहां पे तुम्हारे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए कॉस टू ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन टू ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये लिख लिया मैंने, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे तो बचा कॉस टू ए सिंपल, माइनस यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस ए हो जाएगा और साइन टू ए, बस कितना आसान हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको कॉस टू ए का इंटीग्रेशन करना है माइनस कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन इंटू साइन टू ए, ये भी लिखना है dx, ठीक है। अब cos 2a तुम्हारे लिए एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि x तो है नहीं इसमें, तो cos 2a बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 dx माइनस sin 2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा cot x plus a का, cot x plus a का, बस
अब ये तो बाहर हो गया, यानी cos 2a, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, माइनस का sin 2a, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, यानी ये हो जाएगा log mod में sin x plus a और ये प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है पक्का? चलिए, तो आई होप आज की आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसको फिर से देख लेना जहां भी दिक्कत आई हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन बताना, जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किए हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना कि आपको उससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।